देश की राजधानी दिल्ली में दूषित हवा के बाद दूषित पानी को लेकर सियासत गर्म है। शुक्रवार को दिल्ली बीजेपी महिला मोर्चा ने झंडेवालान स्थित जल बोर्ड के मुख्यालय पर दूषित पानी को लेकर प्रदर्शन किया। बीजेपी दिल्ली महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने दिल्ली जल बोर्ड मुख्यालय पर पानी को लेकर केजरीवाल के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया और आरोप लगाए कि दिल्ली में लोग गंदे पानी पीने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो जनता को फ्री पानी के चलते दूषित पानी पिला रही है। इस दौरान दिल्ली महिला मोर्चा ने केजरीवाल सरकार पर झूठे वादे करने का आरोप लगाया। वहीं बीजेपी महिला मोर्चा के पदाधिकारी ने कहा कि केजरीवाल के झूठ बोलकर ही राजनीति चल रही है। केजरीवाल कभी भी जनता के हित की बात नहीं करते हैं, जिसको लेकर आज नारी शक्ति सड़कों पर उतरी है। दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री झूठ का रिकॉर्ड बनाते हैं और उन्होंने हमेशा झूठ बोलने पर राजनीति की है और झूठ बोलकर ही उनकी राजनीति चलती रही है। उन्होंने फ्री में पानी देने की बात कही लेकिन जनता को प्रदूषित जल पिलाने की शुरुआत करी है। मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपने अधिकार का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि वो अधिकारों के लिए हमेशा लड़ते रहे हैं लेकिन केवल अधिकार पाने की बात करते हैं, जनता के हित की बात नहीं करते हैं। और जनता के हित की बात नहीं करते हैं इसलिए आज हमारी ये नारी शक्ति सड़कों पर उतरी है, राष्ट्र आराधन के लिए उतरी है, जनता को उनके अधिकार दिलाने के लिए उतरी है। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री ईमानदारी के साथ में जनता के हित की बात करें, अधिकार की बात करें, यह प्रदूषित जल से उन्हें छुटकारा दिलाएं और दिल्ली प्रदेश में जिस प्रकार का वातावरण है, वायु प्रदूषण है, वो दूसरों के ऊपर आरोप लगाने की बजाय उसमें कदम बढ़ाएं।